नमस्कार, मैं भारती शाक्यवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज हम बनाएंगे गाजर की बर्फी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक फैन लेंगे और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। इसमें मैंने ये 250 ग्राम दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है जो कि मैंने फैन में डाल दिया है। दूध गर्म हो गया है हमारा। अब इसमें मैं गाजर डालूंगी जो कि मैंने पहले धोकर कस के रखी हुई थी। ये आधी किलो गाजर ली है मैंने। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे दूध में। अब फ्रेंड्स, दूध और गाजर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको कवर करके हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये कवर कर दिया है मैंने। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम लीड उठा देंगे और इसको हम फिर से मिलाएंगे और हमारी गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है थोड़ी, और जो रह गई है वो हमारी ऐसे पक जाएगी दूध में। फैन में दूध सारा अब्सॉर्ब हो गया है, सूख गया है सारा का सारा। उसको चलाएंगे हम ताकि नीचे लगे ना गाजर हमारी। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी डालना इसमें बहुत जरूरी होता है। देसी घी डालने से चीजें हमारी हेल्दी हो जाती हैं और टेस्टी भी हो जाती हैं। अब इसमें मैं 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। जब हम किसी भी चीज़ में चीनी डालते हैं तो वो पतला हो जाता है, चीनी थोड़ा पानी छोड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे पानी बन जाएगा इसमें। मिलाते रहेंगे इसे हम साथ के साथ। ये देखिए कितना सारा पानी हो गया। इसमें सारे पानी को हमें चलाना है। गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा आपने और सबको पसंद भी होगा। आज गाजर की बर्फी बना के देखिएगा, ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है गाजर की बर्फी, और उम्मीद करती हूँ पसंद भी आएगी आप लोगों को। अभी हमारा पानी जलने वाला है जो कि चीनी से बना था। मिलाते तो रहना ही है हमें हलवा पूरा। ये सारा पानी खत्म हो चुका है इसमें से, पैन में से। अब हम इसमें खोआ डाल देंगे। ये मैंने 1 पाव खोआ लिया है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था पहले से, और इसको हम अच्छे से मिलाते रहेंगे क्योंकि अगर हम मिलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा हलवा खोआ हमारा। अगर खोआ जल जाता है तो इसमें से स्मेल अच्छी नहीं आएगी और खाने में भी स्वाद नहीं लगेगा, इसलिए इसे लगातार चलाते रहना है और अच्छे से और ठीक से हमें खोए को भूंजना है। और जब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाजर और खोआ फैन ना छोड़ने। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए फैन छोड़ने लगा है हमारा हलवा। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने एक ट्रे ली है, इसे मैंने पहले से ही घी लगा के रखा हुआ है और इसमें अब मैं ये गाजर का बैटर डाल रही हूँ। इसको हम चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से।
अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या थाल ले सकते हैं, उस पर भी इस बैटर को फैला सकते हैं। इसको मैंने चारों तरफ फैला दिया है अच्छी से। अब इस पे मैं थोड़े से पिस्ता और बादाम सेट कर दूंगी, फैला दूंगी चारों तरफ। पिस्ता और बादाम खाने में तो अच्छे लगते ही हैं और बर्फी के ऊपर जब डले हुए होते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं देखने में भी। चारों तरफ डाल देंगे हम अच्छे तरीके से और इसे उसी करछुली से या किसी से भी थोड़ा सा दबा देंगे, हम प्रेस कर देंगे इसे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इस ट्रे को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम इसके पीसेस काटेंगे। ये मैंने एक चाकू लिया है, इससे हम कट मारेंगे इसमें। आपको जो शेप देनी है वो शेप दे सकते हैं आप। हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है, बस अब खाने का इंतजार है। अभी आपको मैं पीसेस निकाल के दिखाऊंगी बर्फी के, कितने आसानी से बन गई और कितने अच्छे अच्छे पीस निकलेंगे इसके। इसके सामने तो बाहर की बर्फी भी फेल लगेगी आपको। ये देखिए, अब मैं एक पलटा ले रही हूँ, उससे मैं इस बर्फी को पलट देंगे हम। ये देखिए, ये एकदम सारे पीस, एक एक पीस निकले आया बाहर हमारा, आप देख रहे होंगे। सभी बर्फियों के पीसेस को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है हमारी। ये देखिए, शेप भी बहुत सुंदर आई है। इसी तरीके से आप अपने बच्चों के लिए घर पर ही बना सकते हैं बर्फी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।